हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.1 पे और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। फाइंड ए प्लस बी का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का पावर 4। फिर क्या कर रहा है, इवेलुएट रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4। तो बस इसका जो वैल्यू आएगा ना, उसी में ए और बी की जगह पर रूट 3 और रूट 2 रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ही एक रिजल्ट देखे थे, याद होना चाहिए आपको। मैंने बताया हुआ था आपको कि x प्लस ए का पावर n माइनस x माइनस ए का पावर n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू में एन सी वन एक्स का पावर n माइनस 1 ए का पावर 1 प्लस एन सी थ्री एक्स का पावर n माइनस 3 ए का पावर 3। इसी तरह से ये टर्म्स चलते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में क्या करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 4c1 a का पावर, x की जगह पे a है, हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, और यहाँ पर देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है, b है ना जी, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, b का पावर 1 प्लस 4c3 a का पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 और b का पावर 3, यही ना होगा। अब इसके आगे तो कोई टर्म होगा नहीं, चलिए देखते हैं। 2 इंटू में 4c1 4 इंटू में ए क्यूब बी, ये भी 4 ए बी क्यूब, यहां से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं तो 4 2 8 हो जाएगा ना जी। नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं इसका 8 इंटू में ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब, ये आपका इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। फिर हमें क्या करना है, इवेलुएट करने के लिए कह रहा है रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर 4 और माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4। तो इसके लिए अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग 8 इंटू में रूट 3 का क्यूब इंटू में रूट 2 और प्लस रूट 3 इंटू में रूट 2 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 8 इंटू में 3 रूट 3 इंटू में रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 रूट 2। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 8 इंटू में 3 रूट 6 और प्लस का 2 रूट 6, यानी आ जाएगा 8 इंटू में 5 रूट 6, क्या आ जाएगा 40 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 40 रूट 6। नंबर देखिए यहाँ पर 4 नंबर, फाइंड एक्स प्लस 1 का पावर 6 प्लस एक्स माइनस 1 का पावर 6 हेंस और अदरवाइज इवेलुएट दिस, तो इसका वैल्यू निकाल के उसी में एक्स के जगह पर रूट 2 पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस 1 का पावर 6 प्लस एक्स माइनस 1 का पावर 6। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्स प्लस ए का पावर एन और प्लस एक्स माइनस ए का पावर एन जो होता है इक्वल होता है किसके, तो 2 इंटू में क्या होता है एन सी जीरो एक्स का पावर एन ए का पावर जीरो प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस 2 और यहाँ ए का पावर 2 प्लस एन सी फोर एक्स का पावर एन माइनस 4 और ए का पावर 4। इसी तरीके से ये आगे टर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू में एन की जगह पे आ जाएगा 6 सी जीरो एक्स का पावर 6 1 का पावर 0 प्लस 6 सी टू एक्स का पावर हो जाएगा यहाँ पर 4 है ना, 6 माइनस 2 और यहाँ पे 1 का पावर 2, 6 सी फोर एक्स का पावर 2 एंड 1 का पावर 4 प्लस 6 सी 6 एक्स का पावर यहाँ पर 0 और 1 का पावर 6। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ये आपका 1 इंटू एक्स का पावर 6 इंटू में 1, 6 सी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 सी टू का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15 एक्स का पावर 4, 6 सी फोर का भी यहाँ पर 15 आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 15 एक्स का पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, ये आपका वैल्यू आ गया। चलिए इसका वैल्यू आ गया, अब हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है किसका, देखिए तो दिया है
रूट थ्री प्लस वन का पावर सिक्स प्लस रूट टू, सॉरी रूट टू प्लस वन का पावर सिक्स और रूट टू माइनस वन का पावर सिक्स, इसका वैल्यू तो टू इंटू में यहाँ पे हो जाएगा रूट टू का पावर सिक्स प्लस फिफ्टीन इंटू में रूट टू का पावर फोर प्लस फिफ्टीन इंटू में रूट टू का स्क्वायर और प्लस में वन। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। टू इंटू में ये इसका रूट टू का पावर सिक्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका एट प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा सिक्सटी, ये फोर हो जाएगा, ये टू तो यहाँ थर्टी है ना, और प्लस का वन यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना टू इंटू में इन सबको ऐड कर देते हैं एट वन नाइन और नाइनटी नाइन यानी कि आ जाएगा यहाँ पे वन नाइनटी एट इसका आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइव, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए दिया है 96 का पावर 3, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसे ले लेते हैं यहाँ 100 माइनस का 4 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं भाई, यहाँ पे लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम तो हो जाएगा 3C0 100 का पावर 3 और 4 का पावर 0 माइनस 3C1 100 का पावर 2 और इंटू में 4 का पावर 1 प्लस 3C2 100 का पावर ए 1 और 4 का पावर 2 और प्लस माइनस हो जाएगा ना माइनस 3C3 100 का पावर 0 और 4 का पावर यहां पर हो जाएगा 3, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसको यहां सॉल्व करते हैं, ये 1 यहां कितना जाएगा 1 के ऊपर 6 0 लग जाएगा और इंटू 1, ये 3 इंटू में 1 के ऊपर 4 0 और फिर इंटू में आपका 4, ये 3 इंटू में 100 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 इंटू में 1 इंटू में 4 का क्यूब 64। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 1 के ऊपर ये आपका 6 को 0 माइनस 12 के ऊपर ये कितना आ जाएगा 4 0 यहाँ पर 4800 और माइनस का 64, तो प्लस वाले को अलग जो ऐड कर लेते हैं माइनस वाले को अलग, तो 100 4800 माइनस 120064, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा ये आपका 884736, ये इसका वैल्यू आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर 102 का पावर 5, 100 प्लस 2 का पावर 5, तो यहाँ पे वही लगाते हैं 5C0 100 का पावर 5 और 2 का पावर 0, ठीक है, प्लस 5C1 100 का पावर 4 2 का पावर 1, 5C2 100 का पावर 3 2 का पावर 2, 5C3 100 का पावर 2 2 का क्यूब, 5C4 100 का पावर 1 और 2 का पावर 4, 5C5 100 का पावर 0 और 2 का पावर 5। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 1 के ऊपर कितना 0 2 2 4 2 3 6 2 8 और 2 10 पावर 5 है तो 1 के ऊपर 10 0 और इंटू 1, 5C1 ये 5 और इंटू 1 के ऊपर कितना 0 8 0 लगेगा, ठीक है, और फिर इंटू में आपका 2, फिर यहाँ पे देखिए 5C2 का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू में 1 के ऊपर ये कितना 0 6 0 और इंटू में 2 का पावर 2 8 हो जाएगा है ना। अच्छा और प्लस इसको लेते हैं 5C3 है तो इसका भी 10 ही आएगा और इंटू में 1 के ऊपर कितना यहाँ पे 0 4 0 और 2 का क्यूब 8, यहाँ पे देखिए 5C4 का 5 और यहाँ 100 और इंटू में 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 5C5 1 100 का पावर 0 1 और 2 का पावर 5 32। अब चलिए इसको देखते हैं यहाँ 1 के ऊपर कितना 0 लगेगा, तो ये देखिए 10 0 है, ठीक है, 4 6 8 10 5 2 जा 10 और इसके ऊपर ये 2 2 4 2 6 2 8 0 और 2 2 4 2 6 2 8 0 और है ना, यहाँ देखिए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और 40 हो जाएगा 10 फोर जब 40 और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 0, फिर अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 के ऊपर 4 0 और लग जाएगा, ये देखो
80 और इसके ऊपर 20 लग जाएगा और प्लस का 32, तो सबको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 11040808032, है ना जी, यही ना आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। 101 का पावर 4 दिया, तो एक काम करिए इसे लिख दो 100 प्लस 1 का पावर 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4C0, 100 का पावर 4 और 1 का पावर 0 प्लस 4C1, 100 का पावर 3 और 4 का 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, 4C2, 100 का पावर 2 और हो जाएगा 1 का पावर 2, 4C3, 100 का पावर 1 और 1 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 4C4, 100 का पावर 0 और यहाँ 1 का पावर 4। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 और इंटू में 1 के ऊपर क्या हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 0 और इंटू 1, ये 4 इंटू में 1 के ऊपर कितना 0, 6, 0, 4C2 आपका कितना आ जाएगा, तो 4C2 का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 6 ना, और इंटू में 100 के 1 के ऊपर 4, 0, 4 इंटू में 1 के ऊपर 2, 0, 1 इंटू में 1 इंटू में 1, चलिए ये 1 के ऊपर कितना 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यहाँ 4 के ऊपर 2, 2, 4, 2, 6, 0, 6 के ऊपर 4, 0, 4 के ऊपर 2, 0 और ये प्लस 1, सबको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 10406040, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इसका हम लोग 4 नंबर देखते हैं। दिया है 98 का पावर 5, इसे काम करो 100 माइनस 2 का पावर 5 कर दो तो हो जाएगा यहाँ पर 5C0, 100 का पावर 5, 2 का पावर 0 माइनस 5C1, 100 का पावर 4, 2 का पावर 1, 5C2, 100 का पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 2 का पावर हो जाएगा 2, फिर माइनस 5C3, 100 का पावर हो जाएगा यहाँ 2 और 2 का क्यूब, प्लस 5C4, 100 का पावर 1 और 2 का पावर यहाँ 4, माइनस 5C5, 100 का पावर 0 और 2 का पावर 5। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये 1 इंटू 1 के ऊपर कितना 0, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 और इंटू 1, यहाँ 5C1, 5, इसके ऊपर कितना 0, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और इंटू में 2, ये 5C2 आपका आ जाएगा 15, 20, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सॉरी 10 और इंटू में 1 के ऊपर कितना 0, यहाँ पे 6, 0 और इंटू में 2 का पावर 2, 4, माइनस 5C3 आपका 10 और इंटू में 100 को 1 के ऊपर 4, 0, 100 का स्क्वायर और इंटू में यहाँ 8, फिर यहाँ पे 5 इंटू में 100 और इंटू में 2 का पावर 4, 16, फिर माइनस 1 इंटू में 1 इंटू में 32 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये 1 के ऊपर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इतना 0 प्लस 5, 2, 10 और इसके ऊपर ये 8, 0 और 1, 2, ये माइनस है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है माइनस में है, ठीक है, माइनस ध्यान रखना, ठीक है, ये 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यहाँ पे, यहाँ 4, 10 जा 40 और इसके ऊपर 6, 0 और लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 80 और इसके ऊपर 2, 2, 4, 0, फिर प्लस 80 के ऊपर 2, 0 माइनस 32। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये प्लस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं और माइनस वाले को देख लेते हैं, या फिर एक ही बार मैं आप सॉल्व कर लेना ना प्लस माइनस करके, आपका आंसर आ जाएगा जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आ जाएगा इसका 9039207968, यही आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 का पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल 14 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा n नेचुरल नंबर है तो ये 49 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं क्या है, 2 का पावर 3n माइनस का 7n माइनस 1, अच्छा इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पावर में यहाँ n कर देते हैं और माइनस 7n माइनस 1,
टू का क्यूब एट, एट का पावर एन माइनस का सेवन एन माइनस वन, एट का यहाँ देखिए पावर एन है तो इसे लिख दो वन प्लस सेवन का पावर एन, है ना, और माइनस का सेवन एन माइनस वन। अब यहाँ पे इसका बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगाते हैं तो हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू सेवन, एन सी टू इंटू सेवन का पावर टू, एन सी थ्री इंटू सेवन का क्यूब, ऐसे ही आगे टर्म बढ़ते जाएगा, एन सी एन सेवन का पावर एन हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में सेवन एन माइनस वन, एन सी जीरो वन ये आपका तो एन हो जाएगा तो बच जाएगा सेवन एन, और प्लस में एन सी टू सेवन का पावर टू, एन सी थ्री सेवन का पावर थ्री, ऐसे करके यहाँ तक कहाँ है एन सी एन सेवन का पावर एन, और नीचे है फिर माइनस का सेवन एन माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो बच जाएगा उसमें सेवन का स्क्वायर कॉमन कर लो तो बन जाएगा एन सी टू एन सी थ्री इंटू सेवन एन सी फोर इंटू में सेवन का स्क्वायर, ये कहाँ तक चला जाएगा एन सी एन सेवन का पावर एन माइनस टू, चलिए यही ना हो जाएगा जी, चलिए तो सेवन का स्क्वायर ये 49 हो गया, 49 का ये मल्टीपल दिख रहा है ना जी, एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू सेवन एन सी फोर इंटू में सेवन का स्क्वायर, ये टोटल कहाँ तक एन सी एन सेवन का पावर एन माइनस टू इज डिविजिबल बाई, कितना से दिख रहा है 49 का मल्टीपल है तो डिविजिबल बाई 49 नहीं हो जाएगा जी, तो हम लोग देख लिए कि हेंस 2 का पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए क्या है, 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस का 8n माइनस 9, चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसे चाहें तो यहाँ 3 का पावर, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं 3 का पावर, यहाँ एक काम कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू में n प्लस 1 माइनस का 18 माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 का पावर n प्लस 1 कर लेते हैं और माइनस का 18 माइनस का n 9, 9 को 1 प्लस 8 का पावर n प्लस 1 कर सकते हैं और माइनस का 18 माइनस का 9। अब इसका विस्तार करते हैं हम लोग बाइनोमियल के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा n प्लस 1 सी 0 प्लस में n प्लस 1 सी 1 8 का पावर हो जाएगा यहाँ पर कितना 1, फिर प्लस n प्लस 1 सी 2 8 का पावर 2, ऐसे आगे चल के n प्लस 1 सी 3 8 का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 का पावर n प्लस 1, फिर माइनस का है 18 माइनस का है 9। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का n प्लस 1 और इंटू में 8 प्लस, इन सब में से ना 8 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा आपका n प्लस 1 सी 2 है ना प्लस एन प्लस वन सी थ्री 8, यहाँ पे टोटल कहाँ तक है एन प्लस वन सी एन प्लस वन 8 का पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, 8 का स्क्वायर कॉमन किए हैं और फिर आपका बाहर में है आपका माइनस का 18 माइनस का 9। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 18 प्लस का 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू में एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन सी थ्री इंटू में 8 डॉट 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 एन प्लस वन सी एन प्लस वन 8 का पावर एन माइनस वन और माइनस का 18 माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पे वही हो जाएगा 18 माइनस प्लस का 9 और प्लस का 64 इंटू में एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन सी थ्री इंटू में 8 डॉट 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 कहाँ तक एन प्लस वन सी एन प्लस वन 8 का पावर n माइनस वन और माइनस का है 8n माइनस का 9। तो देखिए 8n माइनस का 9 18 माइनस का 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 64 इंटू में n प्लस वन सी टू प्लस n प्लस वन सी थ्री
इंटू में एट प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, एन प्लस वन सी एन प्लस वन एट का पावर एन माइनस वन। तो ये 64 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 64। ये 64 से डिविजिबल है, हमने दिखा दिया है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस 3 का पावर 2n प्लस का 2 माइनस 8n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 64। समझ गए। और यहाँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा है। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 676। देखिए क्या दिया है, 3 का पावर 3n माइनस का 26n माइनस का 1। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या 3 का पावर 3 द पावर n माइनस का 26n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 27 का पावर n माइनस 26n और माइनस का 1। तो यहाँ हो जाएगा इसे 1 प्लस 26 का पावर n माइनस का 26n माइनस का 1। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर एन सी वन प्लस का एन सी वन 26 प्लस का 26 का पावर 1, अच्छा एन सी टू 26 का पावर 2, एन सी थ्री 26 का पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, एन सी एन 26 का पावर n माइनस का 26n माइनस 1। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये 1 प्लस का यहाँ पे n हो जाएगा, तो 26n आ जाएगा प्लस का, यहाँ से इन सब में से 26 कॉमन कर लेते हैं, 26 का स्क्वायर। तो यहाँ एन सी टू बचेगा प्लस एन सी थ्री इंटू में 26 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, एन सी एन 26 का पावर n माइनस का 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, और माइनस का है यहाँ पर 26n माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो देखिए 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा, और इंटू में एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू में 26 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, एन सी टू 26 का पावर n माइनस 2। तो देखिए ये क्या है, 676 से डिविजिबल नहीं है जी। चलिए इज डिविजिबल बाई क्या है 676। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस है ना 3 का पावर 3n माइनस का 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 676 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोलूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।